फिर चली गोली, किसने लगाई इसकी बोली, किसने किया बलात्कार, क्यों हो जाती है सिस्टम लाचार, सब होगा बेनकाब, नहीं चलेगा अपराध का खेल। देखते रहिए प्रत्येक न्यूज लाइव पर क्राइम सीन। हिलसा थाना इलाके के हिलसा चिकसौरा मुख्य मार्ग पर चमरबीघा गांव के नजदीक अनियंत्रित होकर स्कूली वाहन पलट गई, जिससे एक छात्र की मौके पर मौत हो गई जबकि आधा दर्जन से अधिक छात्र जख्मी हो गए। दुर्घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर तोड़फोड़ किया, बाद में ऑटो में आग लगा दी, जिससे इस मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों के कोपभाजन का शिकार बनना पड़ा। ग्रामीणों ने पुलिस को खदेड़ दिया। दरअसल ज्ञान चल स्कूल की गाड़ी चमरबीघा बच्चों को लाने गई थी। बच्चे को लेकर जब गाड़ी स्कूल लौटने लगी थी, उसी समय चालक ने संतुलन खो दिया और ऑटो पलट गई, जिससे इसी गांव का प्रथम क्लास का आयुष की मौके पर मौत हो गई जबकि 6 अन्य छात्र घायल हो गए। दुर्घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम लोग शांति पूर्वक से यहाँ पे रोड जाम कर रहे हैं, 1 घंटा से जाम कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रशासन आके पूरा हम लोग पे लाठी चला रहा है और बोल रहा है, ये बच्चन मंडल जी हैं, एसआई हैं, वो बोल रहे हैं कि गुंडागर्दी दिखावे ताली बजा के। सबसे बड़ा बोलता है हम लोग से बड़ा गुंडा कौन है रे, बच्चन मंडल मारे भी। चलिए ठीक, कैसे घटना हुआ? घटना सुबह के समय में बच्चों प्रतिदिन हिलसा पढ़ने के लिए स्कूल जाता है और यहाँ अधिकांशतः गाड़ी बिना लाइसेंस का और पुराना गाड़ी है और रोड में बीच में कहीं रुकावट नहीं, कोई ठोकर नहीं है और लगातार 2-3 साल से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि हरेक साल में मैंने 1-2 बार बड़ी बड़ी घटनाएँ हुआ है। पुलिस लोग आते जाते हैं और उसका कोई ठोस पहल नहीं कर पाते हैं। इससे आज देखिए, आज सुबह में एक जमरबीहा गाँव का बच्चा स्कूल जाते समय एक ऑटो का एक्सीडेंट होने से बच्चा को एक्सपायर डेट हो मौत हो गया, उसी घटने स्थल पर मौत हो गया। पुलिस लोग आते हैं और भीड़ भाड़ को हटाने की कोशिश करते हैं, जबरन शक्ति का प्रयोग करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम लोग ज़्यादा हल्ला गुल्ला करेगा तो अभी हम रंगदारी तुमको दिखा दें, मारपीट के भगा देंगे। इस तरह से कहकर थाना के कुछ लोग गए हैं और हम लोग बच्चों को मरने के बाद हम लोग काफ़ी आक्रोश में जनता है। हम लोग का शीघ्र इसका निवारण चाहिए, या तो रोड पर ठोकर चाहिए और पुलिस वगैरह हमेशा लाइसेंस को जाम करे, जांच करे और देखे कि हाँ किस तरह का गाड़ी का रफ्तार है, उस पर कंट्रोल करे ताकि आने वाला दिन में इस तरह का हादसा को सामना न करना पड़े, लोग नहीं देखे। इसे बहुत दुखद घटना है कि छोटा बच्चा का मौत हो गया, दर्दनाक। इस बिहार में लगता है कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। किसी भी प्रशासन को कुछ रोड से किसी बच्चों को आने जाने से किसी को भविष्य से उसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारा आगे सरकार से मेरा निवेदन है कि इस घटनाक्रम को रोकने के लिए कोई ठोस पहल उठाएं। कैसे घटना हुई है? यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो हमको फोन गया, यहाँ पे गुड्डू कुमार है, वो फोन किया, बोला कि एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारा भाई मतलब खत्म है। हम लोग वहाँ से स्कूल में जाकर देखे तो स्कूल में ऐसा ही पाड़ के रखे हुए था। स्कूल में दो गाड़ी, 3-3 गाड़ी रहते भर में जी। मास्टर सब वहीं पे था लेकिन कोई कुछ नहीं, सब अपने में पूरा भागम भागी, सब लड़कन के भगा रहा था लेकिन लास्ट पे कोई ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान देता होता, 10 मिनट का समय देता होता तो ये अभी बच जाता। मतलब एक्सीडेंट के बाद स्कूल में लेके जाकर रखा? हाँ, स्कूल में रखे हुए था। जब हम वहाँ पे होटल खोले हुए हैं, वहाँ से हम जैसा ही कॉल गया, हम वहाँ से आए। अच्छा। तो देखे कि ऐसा ही पड़े हुए हैं वहाँ पे, टीचर सब अपने लड़कन को भगा रहा लेकिन इसको कोई नहीं हॉस्पिटल में भर्ती कर रहा। तो आप ही लोग हॉस्पिटल ले गए? हाँ, हम खुद ले गए थे। अच्छा, मैं तो बच्चा का क्या नाम था? बच्चा का नाम था आयुष कुमार। और कौन सा ज्ञानांचल? ज्ञानांचल स्कूल है।